गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं आशा करता हूँ आप सभी को कल कंप्यूटर क्लास में बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ भी सीखा होगा। क्या आप सभी को कल जो पढ़ाया गया था वह याद है या नहीं? ठीक है, चलिए हम सब मिलकर कल के कोर्स में कुछ बातचीत कर लें, क्योंकि इसे आप सभी को याद भी रहेगा। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक और पामटॉप या स्मार्टफोन। माउस या टचपैड क्या होता है? माउस डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ होता है और टचपैड नोटबुक या लैपटॉप के साथ। इससे हम अपने कंप्यूटर को ऑपरेट यानी कि चलाते हैं। कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं? कंप्यूटर को पावर बटन से ऑन करते हैं। आइए अब सीखें कि कंप्यूटर को किस प्रकार से ऑन करते हैं। दिए गए चित्र को देखें और बताएं आपके पास कौन सा कंप्यूटर है और उसे क्या कहते हैं। आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप अथवा नोटबुक कंप्यूटर में से कोई एक कंप्यूटर होगा। आइए अब सीखते हैं नोटबुक अथवा लैपटॉप को ओपन करने का सही तरीका क्या होता है। नोटबुक या लैपटॉप के दो हिस्से होते हैं। सबसे पहले आप सब अपने बाएं हाथ से नीचे वाले हिस्से को दबाकर रखें, उसके बाद ऊपर वाले हिस्से के बीच में अपना दाहिना हाथ रखकर ऊपर उठाएं और उसे दिखाए गए चित्र की तरह रखें। अगर आप सभी डेस्कटॉप कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं तो इसे ऑन करने के लिए आप सीपीयू के पावर बटन को एक बार अपने हाथों से दबाएं, जिससे कि आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। अगर आप लैपटॉप या नोटबुक का उपयोग करते हैं तो दिए गए चित्र को देखें और आप अपनी नोटबुक या लैपटॉप में इस सिल्वर कलर के बटन को ढूंढें, उसके बाद इस सिल्वर कलर के बटन को सिर्फ एक बार प्रेस करें, उसके बाद आपका नोटबुक या लैपटॉप ऑन होने लगेगा। आज की कक्षा में हम सीखेंगे कि एमएस पेंट क्या होता है, हम इसका उपयोग किस लिए और कैसे करते हैं, एमएस पेंट की फाइल को ओपन कैसे करते हैं, एमएस पेंट में टूल बॉक्स किसे कहते हैं, एमएस पेंट की फाइल को क्लोज कैसे करते हैं और सबसे लास्ट में कंप्यूटर को शटडाउन कैसे करते हैं सीखेंगे। हम आज का कोर्स शुरू करते हैं। आज हम जो कोर्स शुरू करेंगे वह एमएस पेंट है। क्या आप एमएस पेंट के बारे में जानते हैं कि हम इसका उपयोग किस लिए करते हैं? एमएस पेंट एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हम ड्राइंग करने के लिए करते हैं। एमएस पेंट के अंदर ड्राइंग करने के लिए टूल उपलब्ध रहता है, जैसे कि कलर, पेंसिल, इरेजर, शेप्स एक्सेट्रा। अब आप सब बच्चे सोच रहे होंगे कि हम एमएस पेंट क्यों सीख रहे हैं। एमएस पेंट हम इसलिए पहले सीख रहे हैं क्योंकि एमएस पेंट का उपयोग करते समय आप आसानी से नोटबुक को चलाना सीख जाएंगे। आप सब बच्चों में से बहुत से बच्चे को नोटबुक आसानी से चलाने आता होगा, पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी अंदर से आत्मविश्वास नहीं आ रहा होगा, इसलिए हम एमएस पेंट शुरू करेंगे। क्या आप में से कितने बच्चों को पता है कि एमएस पेंट की फाइल को खोलते कैसे हैं? आइए अब हम जानते हैं कि एमएस पेंट की फाइल को ओपन कैसे करते हैं। अगर आप विंडोज 7 का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें एमएस पेंट की फाइल को ओपन करने का तरीका अलग होता है। अगर आप विंडोज 8 का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें एमएस पेंट की फाइल
का ओपन करने का तरीका अलग होता है, और अगर आप विंडो 10 का उपयोग कर रहे हैं तो उसे ओपन करने के लिए तरीका अलग होता है। आप सभी इन तीनों विंडो पर एमएस पेंट के फाइल को ओपन करने के नियम को सीखेंगे। अभी आपको विंडो 7 पर ओपन करने का तरीका दिखाया जाएगा, लेकिन विंडो 8 और 10 इन दोनों पर एमएस पेंट के फाइल को ओपन करने का वीडियो अलग से दिखाया जाएगा, जो कि इस कोर्स के एंड या अलग से होगा। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि विंडो 7 में एमएस पेंट की फाइल को ओपन कैसे करते हैं। आप सभी अपने पॉइंटर को टचपैड या माउस के द्वारा स्टार्ट बटन पर लेकर आए, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, और उसके बाद लेफ्ट बटन को क्लिक करें। एक बॉक्स ओपन होगा, इस बॉक्स के अंदर ऑल प्रोग्राम लिखे हुए ऑप्शन पे अपने पॉइंटर को लेकर आए और लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें। अब इस बॉक्स पे एसोसरीज लिखे हुए ऑप्शन को ढूंढें और उस पर लेफ्ट बटन क्लिक करें। फिर एक और बॉक्स आएगा, इसके अंदर आपको पेंट लिखे हुए ऑप्शन पे अपने पॉइंटर को लेकर आना है और टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर देना है, जिससे कि आपकी एमएस पेंट की फाइल ओपन हो जाएगी। अब सामने दिखाए गए चित्र को देखें, यह एमएस पेंट की फाइल है। अब इस चित्र में देखें और बताएं कि ड्राइंग करने के लिए हमें जिन टूल की जरूरत होती है वह उपलब्ध है या नहीं। पेंट के फाइल के ऊपर राइट साइड में 3 बटन दिए गए हैं। इन बटन का उपयोग अलग अलग कार्य के लिए करते हैं। पहला बटन क्रॉस के साइन की तरह दिख रहा है, उसे हम क्लोज बटन कहते हैं। क्लोज बटन से आप अपने फाइल को क्लोज करते हैं। दूसरा बटन से आप 2 कार्य कर सकते हैं, एक मैक्सिमाइज और दूसरा रीस्टोर। अगर आपके फाइल में इस बटन पर 2 रेक्टेंगल बॉक्स दिखाई दे रहा हो, उस समय आप अपनी फाइल को सिर्फ और सिर्फ छोटा कर सकते हैं। अगर पेंट की फाइल में 1 बॉक्स दिखाई दे रहा हो, इसका मतलब आप इस बटन से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मैक्सिमाइज से आपकी फाइल बड़ी हो जाएगी। तीसरा बटन जो कि माइनस की साइन की तरह दिख रहा है, इससे हम फाइल को नीचे टास्क बार में छुपा सकते हैं। आओ फिर से अब इन तीनों बटन का उपयोग करके देखें। सबसे पहले आप यह देखेंगे कि आपको इन तीनों बटन में से कौन सा बटन का उपयोग करना है। टच पैड की मदद से उस बटन के ऊपर अपने पॉइंटर को रखेंगे और फिर अपने टच पैड के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक कर देंगे। अब आप सभी बच्चे एक एक करके तीनों बटन का उपयोग करें। अगर किसी को समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आइए वीडियो देखकर सीखते हैं कि मिनिमाइज बटन से क्या होता है। मिनिमाइज करने के लिए आप अपने पॉइंटर को पेंट के सीट पर ऊपर दाहिने, जहां पर 3 बटन दिए गए हैं, इनमें से इस वाले बटन पर, जिसे कि मिनिमाइज बटन कहते हैं, इस पर अपने पॉइंटर को लेकर आएं और फिर टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक कर दें।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल नीचे यहाँ पर टास्क बार के अंदर हाइड हो जाएगी, यानी कि छुप जाएगी। इसे मिनिमाइज कहते हैं। अब इस फाइल को लाने के लिए आपको नीचे टास्क बार के अंदर अपने पॉइंटर को लेके आना होता है। पॉइंटर को नीचे लाने के लिए आप सभी अपने टचपैड या माउस का प्रयोग करेंगे। टास्क बार के अंदर आपको ऐसा बॉक्स ढूंढना है जिसके अंदर कलर और ब्रश जैसा दिख रहा हो, जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इस पे अपने पॉइंटर को रखना होता है। जैसे ही आप अपने पॉइंटर रखेंगे, आपकी पेंट की फाइल छोटा सा ऊपर दिखेगा ऐसे, और उसके बाद अपने टचपैड या माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है, जिससे आपकी पेंट की फाइल दोबारा से आ जाएगी। तो इस तरह से आप सब मिनिमाइज बटन से अपने फाइल को हाइड कर सकते हैं। आइए अब मैक्सिमाइज या रीस्टोर करना सीखते हैं और देखते हैं कि इससे क्या होता है। मैक्सिमाइज या रीस्टोर करने के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को मैक्सिमाइज या रीस्टोर बटन पर लेकर आएं, जिस तरह की आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अपने पॉइंटर को मैक्सिमाइज या रीस्टोर बटन पर लाने के लिए माउस और टचपैड का प्रयोग करना है और इसे रीस्टोर डाउन बटन कहते हैं। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी पेंट की फाइल छोटा हो जाएगा, जैसे कि आप सब वीडियो में देख रहे हैं। अब इसे बड़ा करने के लिए फिर आपको इसी बटन, जो कि मिनिमाइज बटन के बगल में है, अपने पॉइंटर को लाना है और फिर इस पे रखना है। अब देखिए, यह मैक्सिमाइज हो गया। जब आपने अपने पेंट की पेज को छोटा किया तो उस समय रीस्टोर डाउन लिख के आ रहा था, अब यह मैक्सिमाइज हो गया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पेंट का पेज बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जैसा कि आप सब को बता दिया गया है कि क्लोज बटन से हम अपने फाइल को क्लोज करते हैं, क्योंकि अभी हमें क्लोज नहीं करना है अपनी फाइल को, इसलिए हम क्लोज बटन को सबसे अपने इस कक्षा के लास्ट में सीखेंगे। दिए गए चित्र को देखें, यहाँ पर एक शेप्स को रेड कलर से दिखाया गया है। इस टूल को लाइन टूल कहते हैं। जब हमें पेंट में कोई लाइन ड्रॉ करनी होती है तो हम लाइन टूल का उपयोग करते हैं। आइए सीखें कि लाइन टूल का उपयोग कैसे करते हैं। जब हमें लाइन ड्रॉ करनी हो तो हमें पता होना चाहिए कि हमें लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आप सभी लाइन टूल को सेलेक्ट करें। लाइन टूल को सेलेक्ट करने के लिए अपने कर्सर को माउस या टचपैड के द्वारा लाइन के ऊपर रखना होता है और फिर अपने लेफ्ट बटन को दबाना होता है, जिससे कि आपकी लाइन टूल सेलेक्ट हो जाएगी। एमएस पेंट में जब हम किसी टूल को सेलेक्ट करते हैं तो उस टूल के ऊपर एक ब्लू कलर का बॉक्स बन जाता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि हमने उस टूल को सेलेक्ट किया है। आइए अब सीखें कि पेंट में लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं।
ड्राइंग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, जैसे कि आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपका टूल सेलेक्ट है या नहीं। ड्राइंग करने से पहले आप अपने माउस या टच पैड की सहायता से अपने पॉइंटर को उस जगह पर लेकर जाएं जहां से आपको ड्राइंग करनी है। आप लेफ्ट बटन को तब तक दबा के रखें जब तक आपकी लाइन और चित्र पूरा ना हो जाए। अपने पॉइंटर को एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जाने के लिए अपने माउस या टच पैड पर सिर्फ एक ही फिंगर का उपयोग करें। एक बार कोई लाइन अथवा कोई भी टूल से ड्रॉ करने के बाद आपको उस जगह से अपना पॉइंटर दूसरे जगह पर ले जाके क्लिक करना होगा, जिससे लाइन पर दो बिंदु होती हैं उनको हम हटा सकते हैं और किसी दूसरी लाइन को उससे हम मिला सकें। आइए वीडियो देखकर सीखते हैं कि पेंट के शीट पर ड्राइंग कैसे करते हैं। ड्राइंग करने के लिए सबसे पहले आप सभी को टूल सेलेक्ट करना होता है। क्योंकि इस कक्षा में हम लाइन टूल का उपयोग करेंगे, इसलिए अपने पॉइंटर से लाइन टूल को सेलेक्ट करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। सेलेक्ट करने के लिए आप अपने टच पैड या माउस के लेफ्ट बटन का प्रयोग करेंगे। लाइन टूल के ऊपर सिर्फ एक बार क्लिक करना होता है, उसके बाद अपने पॉइंटर को पेंट के पीस पे लेकर आएं और ऐसे ऊपर की तरफ लाइन को ड्रैग करें। इस लाइन को ड्रैग करने के लिए आप अपने टच पैड या माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखें और फिर उसे ऊपर की तरफ लेकर आएं, जिससे कि आपकी यह लाइन खिंच जाएगी। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि इस लाइन पे दो डॉट दिख रही होंगी जो कि वाइट कलर की हैं। इन्हें आप हटाने के लिए अपने कर्सर को साइड में रखें और फिर लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें। अगर जब तक यह डॉट नहीं हटेगी आप दूसरी लाइन नहीं खींच सकते हैं। अब दूसरी लाइन खींचने के लिए यहाँ पे रखें अपने पॉइंटर या कर्सर को और फिर ऐसे नीचे की तरफ लाइन को लेकर आएं, फिर कर्सर साइड में रखें, लेफ्ट बटन क्लिक कर दें। अब यहां से फिर ऊपर की तरफ ऐसे लाइन, जिससे कि आपकी पहली इमेज बन जाएगी। आइए अब सीखते हैं कि नया पेज या इसे मिटाते कैसे हैं। आप सभी अपने कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को ढूंढें जो कि CTRL लिखा होगा। उसे आप अपने बाएं हाथ की एक फिंगर से दबाकर रखें और दूसरे हाथ से A को दबाएं। दोनों की को एक साथ प्रेस करना है जिससे कि आपका पेज सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड में डिलीट बटन को ढूंढें और उसे एक बार प्रेस कर दें, जिससे कि आपका पेज या जो बनाया हुआ चित्र होगा वह डिलीट हो जाता है। दिए गए चित्र को देखें और बताएं यह किस टूल से बना हुआ है। इस चित्र को बनाने के लिए आप सभी जैसे कि जानते हैं लाइन टूल को सिलेक्ट करना है। दिखाए जा रहे वीडियो को देखें और अपने लाइन टूल को सिलेक्ट करें। उसके बाद अपने कर्सर को पेज पर लेकर आएं और फिर ऐसे एक सीधी लाइन को ड्रैग करें टच पैड या माउस के द्वारा। उसके बाद अपने पॉइंटर को साइड में रखें,
फिर दूसरी लाइन को ऐसे ड्रैग करें। फिर अब ऐसे तीसरी लाइन को ड्रैग करने के लिए आप सब जैसे पहले इमेज को बनाने के लिए किया था वैसे ही इस इमेज को भी बनाने के लिए करेंगे। टच पैड या माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखना है और ड्रैग करते रहना है। उसके बाद पॉइंटर साइड में रखें, कर्सर साइड में रखकर लेफ्ट बटन को क्लिक कर दें। फिर अब ऐसे चौथी लाइन को खींचें जो कि वीडियो में दिखाया जा रहा है आपको। उसके बाद फिर ऐसे पांचवी लाइन, इस तरह से यह आपकी दूसरी इमेज बन जाएगी। आइए अब सीखते हैं कि फाइल को क्लोज कैसे करते हैं। पेंट की फाइल को क्लोज करने के लिए आप अपने कर्सर को क्लोज बटन पे जो कि ऊपर दाहिने साइड कोने में है यहाँ पर लेकर आएं। जैसे ही आप अपने पॉइंटर को यहाँ पे लाएंगे क्लोज लिखा हुआ एक बॉक्स आएगा, उस पर क्लोज करें और फिर आपके पेज पर ऐसा बॉक्स आएगा जिसमें कि तीन ऑप्शन दिए गए हैं, सेव, डोंट सेव, कैंसिल। क्योंकि आपको इस फाइल को सेव नहीं करना है इसलिए आप डोंट सेव पर क्लिक कर दें जिससे कि आपकी पेंट की फाइल क्लोज हो जाएगी। जैसे ही आप डोंट सेव पर क्लिक करेंगे आपका डेस्कटॉप आ जाएगा। आइए अब सीखते हैं कि हम कंप्यूटर को शटडाउन कैसे करते हैं। आप सभी अपने पॉइंटर को स्टार्ट बटन पर लेकर आए, उसके बाद इस स्टार्ट बटन पर अपने टच पैड या माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करें। जैसे ही आप लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे एक बॉक्स ओपन होगा। अब इस बॉक्स के अंदर आपको शटडाउन लिखे हुए ऑप्शन को ढूंढना है और वहां पे अपने पॉइंटर को लेकर जाना है। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस शटडाउन ऑप्शन पे पॉइंटर रखने के बाद अपने टचपैड या माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देना है जिससे कि आपका कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा यानी कि बंद हो जाएगा। आज की कक्षा में हमने सीखा कि एमएस पेंट क्या होता है, इसे चलाते कैसे हैं, एमएस पेंट में ड्राइंग कैसे करते हैं, एमएस पेंट में लाइन टूल का उपयोग कैसे करते हैं, एमएस पेंट के अंदर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन का उपयोग कैसे करते हैं, एमएस पेंट की फाइल को क्लोज कैसे करते हैं और सबसे लास्ट में कंप्यूटर को शटडाउन कैसे करते हैं यह सीखा।